हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स के सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। बेसिकली यहां पर पिछले कुछ दिनों से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी और कई सारे वेबसाइट पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पब्लिश किया जा रहा था कि आप लोगों के डिवाइस में एंड्रॉयड पाई की अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। बट अभी तक कोई भी अपडेट J7 मैक्स के लिए प्रोवाइड नहीं कराया गया या फिर से यहाँ पे सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों की डिवाइस में एंड्रॉइड पाई की अपडेट देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्यूचर में अपडेट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स में आप लोगों को एंड्रॉइड पाई की अपडेट देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा कि J7 मैक्स एक पॉपुलर डिवाइस है, देन इसमें आप लोगों को पाई अपडेट प्रोवाइड कराना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ दिनों पहले वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि आप लोगों की डिवाइस में पाई अपडेट देखने के लिए मिलेगी, बट अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे सैमसंग की तरफ से कोई भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था कि आप लोगों के डिवाइस में पाई अपडेट देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ पे कुछ वेबसाइट है जिनमें आप लोगों को ये कंफर्म कर दिया गया था कि आप लोगों को पाई अपडेट देखने के लिए मिलेगी। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जितने भी सारे वेबसाइट है जहाँ पे कंफर्मेशन हुआ था, उनका जो भी गेस किया हुआ रहता है उसमें आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल ही जाता है, देन आप लोगों को अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। तो अब आप लोगों को अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सैमसंग जो वर्क कर रहा है वो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 और फिर से UI 2.0 पे वर्क कर रहा है और यहाँ पे इंडिया के लिए भी अपडेट फाइनली रिलीज भी हो चुका है ए सीरीज के स्मार्टफोन और फिर से एम सीरीज के स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 10 और फिर से UI 2.0 का अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। तो बेसिकली अब वो एंड्रॉइड 5 पे वर्क नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की डिवाइस में अपडेट प्रोवाइड कराना रहता तो आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल जाता। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है तो आप लोगों को फ्यूचर में भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बेसिकली आप लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी अगर आप लोगों के डिवाइस को सिक्योरिटी पैच की ज़रूरत पड़ेगी तब। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो मुझे आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर में अपडेट से रिलेटेड वीडियो पाने।